अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं बना रही हूँ लहसुन की चटनी, बड़ी यूनिक सी। तो इसके लिए मैंने 2 अदद प्याज ली है बड़ी, और मैंने इसको बारीक काट लिया है। प्याज मैं आपको दिखा देती हूँ, इस साइज़ की प्याज है और मैंने इसको बारीक काट लिया है। और ये लहसुन की चटनी है जो मैंने तैयार करके रखी है, तो मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे तैयार की है। मैंने एक ये पूरा लहसुन का ये लिया है और 5 बड़े चम्मच कुटी हुई मिर्ची ली है। इनको मैंने एक साथ चट्टूपट्टा में डाल के और कम पानी डाल के इसको फूट लिया है। और मुझे चाहिए नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से, और मेथी दाना और ऑयल। ये आधा कप से ज़्यादा ऑयल है, तो ऑयल इसमें ज़्यादा जाता है क्योंकि हम 1 मंथ तक सेव कर सकते हैं, तो इसमें ऑयल आप ज़्यादा रख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ऑयल डाल दिया है पैन में। ऑयल मेरा गरम होगा, मैं इसमें डालूंगी अपनी प्याज। और प्याज को मुझे करना है लाइट गोल्डन ब्राउन, डार्क नहीं करना, लाइट करना है। तो इस चटनी को आप ज़रूर बना के देखिएगा, ये आप यकीन मानेंगे। इसको पुलाव के साथ, आप दाल चावल के साथ, और अगर कुछ भी ना हो तो आप इसको प्लेन राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए मेरी प्याज जो है वो लाइट गोल्डन हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी अपने मेथी दाना, और मेथी दाना जैसे ही तेल में खुशबू देगा तो इसके बाद जो है मैं इसमें डाल दूंगी अपनी लहसुन की चटनी जो मैंने पीस के रखी हुई है। तो आप इसको 1 मंथ के लिए जो है वो सेव कर सकते हैं, और ये ख़राब नहीं होती है, इसमें ऑयल होता है तो काफ़ी टाइम तक चलती है ये। ये मैंने अपनी डाल दी है लहसुन की चटनी, और उसके बाद जो है मैं इसको 1-2 मिनट के लिए भूनूंगी। और बस इतना देख लीजिएगा कि ऑयल जो है वो हमारा ऊपर आ जाएगा और चटनी हमारी अच्छे से भुन जाएगी। तो मैं दिखाऊंगी आपको इसका फाइनल लुक। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, और नमक डाल के मुझे इतना भूनना है कि हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए, तो हमारी चटनी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये देखें हमारा ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। तो ये देखें हमारा ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है, और अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये है इसकी फाइनल लुक। आप इसको 1 मंथ के लिए सेव करके रखें, और आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और ये हम पुलाव के साथ, सबके साथ खा सकते हैं। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।